नमस्कार, राम राम। हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मलदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के सीएम नायर सिंह सैनी ने पत्नी सुमाना सैनी के साथ गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे मां के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। मैं चुनाव के पहले भी आया था और चुनाव के बाद भी मैं मां के दर्शन करने आया हूं। मैं हरियाणा प्रदेशवासियों के उज्ज्वल भविष्य को लिए कामना करता हूं और हमारे लोग स्वस्थ रहें और विकास के इस गाथा में मजबूती से अपना योगदान देते रहें और हमें जो बहुमत दिया गया है उसके लिए मैं प्रदेशवासियों का धन्यवाद करता हूं। मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि मां कामाख्या के चरणों में आने का अवसर मिलता है। मैं चुनाव से पहले भी मां के चरणों में शीश नवाने के लिए आया था और अब चुनाव के बाद भी मैं मां कामाख्या के चरणों में शीश नवाने के लिए आया हूं। मैं हरियाणा प्रदेशवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे हरियाणा के लोग स्वस्थ रहें और विकास की इस गाथा के अंदर अपना योगदान मजबूती से देते रहें। मैं ऐसी मां कामाख्या के चरणों में प्रार्थना करता हूं। और जो हरियाणा के लोगों ने जो एक बड़ा मैंडेट दिया है, एक बहुमत दिया है, मैं उसके लिए सभी हरियाणा वासियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और उनके उज्ज्वल भविष्य की मां कामाख्या के चरणों में प्रार्थना करता हूं। अब वो 16 तारीख को होगा और 16 तारीख को हमारे जो इंचार्ज लगे हैं, जो ऑब्जर्वर आए हैं, आदरणीय अमित शाह जी, भारत के गृह मंत्री, और हमारे मोहन यादव जी, केंद्र ने उनको ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया है। 16 तारीख को सभी हमारे लेजिस्लेटिव मेंबर्स, उनके साथ मीटिंग होगा। मीटिंग के बाद सारा सप्त ग्रहण का 17 तारीख को कार्यक्रम होगा। आज कामाख्या मां के चरणों में मुझे आने का, शीश नवाने का अवसर मिला है और मैं पुनः हरियाणा वासियों को इतना बड़ा मैंडेट जो दिया है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, जो विश्वास व्यक्त लोगों ने किया है, मैं उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और इसी के साथ ही नायब सिंह सैनी ने असम बीजेपी का कार्यालय भी पहुंचे, जहां पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। और वही हरियाणा के कार्यवाहक का सीएम सैनी ने मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि उनको परंपरा रही है कि जब उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती है तो वे ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, लेकिन हरियाणा में सीएम जो है पीएम मोदी की नीतियों की जीत हुई है। कांग्रेस का झूठ हार गया है और देश में मोदी की गारंटी काम कर रही है और प्रदेश को मोदी की गारंटी पर भरोसा है और हमारा भारत पिछले 10 वर्षों में तेजी से आगे बढ़ा है। और असम के मां हेमंता विश्व शर्मा बहुत लोकप्रिय नेता हैं और वे असम के विकास के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। असम के लोगों के लिए वे जो काम कर रहे हैं उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। देखिए, इनका ये परंपरागत रहा है कि जब इनको कोई सफलता नहीं मिलती तो ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन लगाना, परंतु हरियाणा के अंदर मोदी जी की नीतियों की जीत है, कांग्रेस के झूठ की हार है। लोग समझ चुके हैं कांग्रेस का झूठा बिकने वाला नहीं है। अब तो मोदी की गारंटी है जो देश के अंदर चल रही है और मोदी की गारंटी के ऊपर देश को विश्वास है और मोदी जी ने भारत का नाम पिछले 10 वर्षों के अंदर दुनिया में चमकाया है और हमारा भारत एक गति से आगे बढ़ा है। हमारे लिए बड़े परम सौभाग्य की बात है कि आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि 2047 तक ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, उस विकसित राष्ट्र के अंदर हमारा हरियाणा मजबूती से मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है। मैं आज मां कामाख्या की इस पवित्र भूमि पर यहां पर आया हूं। हमारे यहां के मुख्यमंत्री आदरणीय हिम्मत विश्वा शर्मा बहुत ही लोकप्रिय वो नेता है और उन्होंने भी असम के विकास के अंदर दिन रात गति से लगे हुए हैं। मैं उनके
जो काम वो असम के लोगों के लिए, असम की जनता के लिए कर रहे हैं। और पंचकुला के सेक्टर 5 शालीमार ग्राउंड में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ ने जो है कार्यक्रम स्थल और इसी के साथ साथ समारोह की तैयारियों की जायजा लिया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पूर्व सांसद और कार्यक्रम प्रभारी संजय भाटिया, महिला उपाध्यक्ष बस्ती कटारिया सहित कई गणमान्य व्यक्ति तथा प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। तरुण चुघ ने कहा कि जिस तरीके से हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्व बहुमत देकर हरियाणा के इतिहास में एक नया अभ्यास जोड़ दिया है, उसी तरीके से शपथ ग्रहण समारोह को भी भव्य बनाया जाएगा। और हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित शालीमार ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। समारोह की तैयारियों को लेकर पूर्व सांसद और समारोह के कार्यक्रम प्रभारी संजय भाटिया ने बताया कि प्रधानमंत्री के पंचकुला आगमन को लेकर बहुत ही उत्साह व खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि परेड ग्राउंड से दशहरा ग्राउंड बदलकर भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद इस ऐतिहासिक पल के लिए यह भी मैदान छोटा ही पड़ेगा। और कुरुक्षेत्र सांसद नवीन जिंदल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लाडवा को ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए वे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मिलकर काम करेंगे। जल्द ही ऐसा प्लान तैयार किया जाएगा जिससे कि इस क्षेत्र को विकसित बनाया जा सके। और सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि लाडवा आवासीय सिटी बन गया है, जहां यह गौरव की बात है कि मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश से लाडवा विधानसभा को चुनाव लड़ने के लिए चुना। और हरियाणा सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तोहफा देते हुए मानदेय में 750 रूपये का इजाफा किया है। आपको बता दें कि इसी के साथ ही मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में भी 750 रूपये का इजाफा किया गया है। वहीं आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में भी 400 रूपये का इजाफा किया गया है, जो कि सरकार की एक अच्छी पहल मानी जा रही है। तो देखिए अब जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को सहायताओं के वेतन में वृद्धि की गई है। 750 रूपये और 400 रूपये की वृद्धि की गई है, जो कि सरकार के द्वारा ये अच्छी पहल की गई है, जहां पर ये एक बड़ा तोहफा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बताया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से मिला है, जहां पर उनके मानदेय में 750 रूपये का इजाफा हुआ है, 750 रूपये की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं जो सहायिकाएं हैं वो भी उनके चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। 400 रूपये उनके भी जो है वेतन में इजाफा किया गया है। तो वहीं जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके वेतन में 750 रूपये का इजाफा किया गया है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि ये बुलेटर है, जहां पर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, जो सहायिकाएं हैं उनके वेतन में, जो उनके मानदेय हैं उनमें वृद्धि की गई है, जो कि उनके लिए अच्छी पहल मानी जा रही है। लगातार कई दिनों से उनकी मांग भी थी कि उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए, और अब जो है ये अच्छी पहल मानी जा रही है, जिसके बाद उनके मानदेय में 750 रूपये और 400 रूपये के मानदेय में वृद्धि हो रही है, जो कि सरकार की तरफ से ये बड़ा तोहफा सहायिकाओं और कार्यकर्ताओं के लिए मानी जा रही है। नांगल चौधरी में कांग्रेस विधायक मनु चौधरी ने नगर पालिका में पार्षदों की बैठक बुलाई, लेकिन खुद ही वो जो है 2 घंटे देरी के बाद पहुंची, और जिस वजह से 13 में से सिर्फ 4 ही पार्षद मौजूद रहे। मीटिंग में चेयरमैन और उप चेयरमैन सहित 9 पार्षद नहीं पहुंचे। वहीं मीटिंग की चर्चा शहर में खासकर इस बात पर रही कि विधायक ने शपथ से पहले ही अपना रुतबा दिखाना शुरू कर दिया। बैठक में चेयरमैन की जो है चेयर पर भी विधायक समर्थन विनोद भील ही बैठे नजर आए।
और निरोखेड़ी के तरावड़ी शहर में एक रिटायर्ड फौजी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले में पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि ताराबड़ी शहर के वार्ड नंबर 15 की धर्मपाल कॉलोनी में 77 साल का रिटायर्ड फौजी हरविंद्र सिंह 2 साल से अपने मकान में अकेला ही रहता था, जबकि उसके परिवार के अन्य सदस्य दिल्ली में रहते थे। सोमवार की दोपहर रिटायर्ड फौजी के कमरे में जब बदबू आनी शुरू हुई तो लोगों ने कमरे में झांक कर देखा और देखते पर रिटायर्ड फौजी की लाश पड़ी हुई देखी, जिसमें बाद पुलिस से मामले को जो है सूचित की और सूचना दी गई, जिसके बाद बताया जा रहा है कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ऐसा जी, बुजुर्ग रह रहे थे हम कई सालों से, 7-8 सालों से दिल्ली के। आज गली वालों का मेरे पास फोन आया तो हम यहाँ आए, हमने देखा भी बहुत ज्यादा स्मेल थी, तो दरवाजा खोला ऊपर से तोड़ के और अंदर मृत पाए गए हैं। काफी गली सड़ी डेड बॉडी हो रही है, तो फिर पुलिस आई है, फोरेंसिक टीम में आ गई है। अब इनके परिवार भी आया जो दिल्ली रह रहे हैं, अभी कॉल किया था, जिस टाइम पता चला उसी टाइम वो वहां से चल पड़े हैं। क्या कुछ पता लगा सर, क्या कारण थे, अकेले रहते थे? ऐसा जी, काफी सालों से अकेले ही रह रहे थे, रिटायर फौजी हैं ये। पड़ोसी ने कॉल की होगी 112 पे, घर में स्मेल हो रखी है, तो 112 आई यहाँ, तो ये रविंदर कुमार डेड पोजीशन में मिले हैं। अभी इनके वारसान को सूचित कर दिया है, आने लग रहे हैं, पोस्टमार्टम करवाएंगे। पोस्टमार्टम के बाद जैसी रिपोर्ट आएंगी वैसी कार्रवाई होगी। रिटायर्ड फौजी थे सर? रिटायर फौजी थे। बदबू से पता लगा सर? ये पड़ोसियों को बदबू आई है तब पता चला है। क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई तो अभी पोस्टमार्टम करवाएंगे, पोस्टमार्टम के बाद जैसे रिपोर्ट आएंगी वैसी कार्रवाई हो जाएगी। अंबाला पुलिस की अपराध जांच एजेंसी ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ ही पुलिस ने 1 किलो 150 ग्राम अफीम भी बरामद की है। आरोपी उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के एक गांव भरतपुर का निवासी है। बताया जा रहा है कि उसे अदालत में पेश करके 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी सफलता हाथ लगी, 1 किलो से ज्यादा का अफीम बरामद किया गया है, जहां पर अफीम के साथ साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां एक आरोपी को दबोच लिया गया है। इसके साथ साथ जांच एजेंसी अब लगातार शिकंजा कसते हुए ऐसे अपराधियों पर जो है नजर आ रही है, और इस बीच पुलिस ने तवीज दी, जिसके बाद से आपको बता दें कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और न सिर्फ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, बल्कि उसके पास से 1 किलो से ज्यादा का अफीम भी बरामद किया गया है। पुलिस लगातार खोज कर रही थी, लगातार जांच पड़ताल कर रही थी, पुलिस को सूचना मिली थी, और अब पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जहां पुलिस को एक आरोपी की गिरफ्तारी की सफलता लगी है, तो वहीं इसी के साथ साथ आरोपी के साथ साथ 1 किलो से ज्यादा अफीम की बरामदगी पुलिस ने की है, जो कि पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता मानी जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 1 किलो अफीम के साथ आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और इसी के साथ साथ ये पता लगाने की भी कोशिश लगातार पुलिस कर रही है कि इस पूरे जो है गिरोह में और कौन कौन शामिल था, कितने लोगों से ये गिरोह चल रहा था। हालांकि एक एक गिरफ्तारी हो गई है, और धीरे धीरे अब जो है और भी जो आरोपी इसमें संलिप्त हैं उनकी भी लगातार धरपकड़ की पुलिस कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है, जहां एक आरोपी को 1 किलो से ज्यादा अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया है, और ये गिरफ्तारी पुलिस के जो है चौकसी के वजह से हुई है। लगातार पुलिस चौकसी के साथ
गिरफ्तारी करने में लगी हुई थी। और इस बीच पुलिस को सूचना मिली और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली पुलिस दबिश बनाना शुरू कर दी और इस बीच एक आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा, जिसके पास से एक किलो से ज्यादा का अफीम बरामद हुआ है। और इसी के साथ साथ और कौन कौन इस पूरे गिरोह में संलिप्त है, लगातार पुलिस इस बात की भी जांच पड़ताल करती नजर आ रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। और इसके साथ साथ ये काम जो था वो कितने दिनों से कर रहे थे, अब हर एक पहलू से पुलिस जांच पड़ताल करेगी, क्योंकि अब जो एक आरोपी है वो पुलिस को हाथ लग चुकी है, जिससे कई ऐसे सुराग भी मिल सकते हैं कि इस पूरे गिरोह में और कौन कौन शामिल है, कितने दिनों से ये काम किया जा रहा था, कहां कहां इस काम को अंजाम दिया जा रहा था, कहां कहां अफीम को सप्लाई की जाती थी, तमाम तरह के सवाल है और सभी सवालों के जवाब अब पुलिस इस आरोपी से जरूर लेगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें, पुलिस के लिए यह बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता मानी जा रही है, जहां पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और न सिर्फ आरोपी को गिरफ्तार किया है बल्कि आरोपी के साथ साथ एक किलो से ज्यादा का अफीम भी बरामद किया गया है। और इसी के साथ साथ लगातार इस आरोपी से पूछताछ की जा रही है। और वहीं इंद्र की अनाज मंडी में धान की आवक अधिक होने से खरीद का काम दो दिनों के लिए आढ़तियों ने बंद कर दिया है, लेकिन मंडी में स्थिति आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। मंडी में शेड के अंदर रा और बाहर धान की बोरियों के ढेर लगे हुए हैं। सुबह से ही मंडी के बाहर धान से भरी हुई ट्रॉली की लाइन लगनी शुरू हो गई है। किसानों का कहना है कि ये सात दिनों से ज्यादा समय से मंडी में धान लेकर आए हैं, लेकिन धान खरीद के लिए न तो राइस मिलर आते और न ही एजेंसी, अगर कोई आ भी जाए तो कम रेट में खरीदने और नमी अधिक होने की बात कर रहकर अपना परिवार झाड़ देते हैं। किसानों ने कहा कि कम रेट में खरीदने पर नमी भी कम हो जाती है और धान की सारी कमियां भी दूर हो जाती हैं। किसान परेशानी से तंग आकर ही अपनी फसल को औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर है। किसानों की मजबूरी का फायदा एजेंसी और राइस मिल उठा रहे हैं। किसानों ने कहा कि सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि किसानों की फसल का पूरा भाव मिल सके। और हमारी जीरी को पड़े यहाँ आज 10 दिन हो लिए पिछले, अभी तक कोई भी खरीदार नहीं आया। जो खरीदार आते हैं वो 2,000 1,800 रुपए 2,100 रुपए तक लगा के जाते हैं, उससे क्या होगा जी? 2,100 रुपए से 2,320 रुपए का MSP है जी, और 2,320 रुपए में भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है जी, कोई कुछ नहीं है जी। तो लगता क्या है कि इस तरीके से किसानों को परेशान किया? किसानों को जानबूझकर सेलर वालों के द्वारा परेशान किया जा रहा है। सरकार तो सहयोग कर रही जी, काम करें, पर ये सेलर वाले सही ढंग से काम नहीं कर रहे जी। काम तो 10 दिन में तो पिछली डेढ़ 2100 में दी, और क्या कर दे जी, मजबूरी में देनी पड़ी। कारण क्या रहा? कुछ भी नहीं, बहुत शेयर 15 विकास का तो हाईब्रिड का यही रेट है, जबकि गवर्नमेंट का MSP रेट जो है ना 2,320 रुपए है उसका। कोई सुनाई नहीं है कहीं भी सेलर वालों ने अपनी, मतलब आप मनमानी कर रखी, सरकार का कोई प्रभाव नहीं है किस किस्म का। तो आपने मार्केट कमेटी से सबको कह लिया, कोई नहीं सुनता 10-15 दिन से, जब इतनी किसी ने सुनी नहीं। अनाज मंडी इंद्री में 3 एजेंसियों द्वारा खरीद की जा रही है, फूड सप्लाई, हैफर्ड और हरियाणा वेयर हाउस, जिसमें से हमारी इंद्री अनाज मंडी में अब तक 4,02,000 क्विंटल की आवक हो चुकी है PR धान की, जिसमें से 2,58,000 क्विंटल की खरीद हो चुकी है और खरीद आज चल रही है, और उसमें से 1,04,000 क्विंटल का उठान अब तक हुआ है, क्योंकि पिछले 2 दिन हमने मंडी में आवक बंद कर दी थी शनिवार और इतवार में। शनिवार और रविवार को हमने लिफ्टिंग कराई है और उसमें बड़ी अच्छी लिफ्टिंग हुई है 2 दिन आवक बंद रखने से, लेकिन जो 2 दिन आवक बंद थी वो सारा किसानों द्वारा जो रोकी हुई वो थी अपनी धान की ट्रालियां, वो आज मंडी में लेकर के आए हैं और आज मंडी में काफी रश है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर NCR क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण के चलते गुरुग्राम के DC निशांत यादव ने गुरुग्राम में पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुरुग्राम के DC ने अपने आदेशों में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि पूरे NCR क्षेत्र जो कि अत्यधिक वायु प्रदूषण होता है, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सभी प्रकार के पटाखे उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। गुरुग्राम के DC निशांत यादव की माने तो BNS के धारा 163 के तहत केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे व चलाए जा सकते हैं, उसके लिए भी समय और दिन निर्धारित किया गया है। जैसे ही दीपावली, गुरु पर्व, क्रिसमस और नववर्ष के आगमन पर लोग पटाखे फोड़ते हैं, इन दिनों 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, जिससे लोग त्यौहार को खुशीपूर्वक मना सकें।
तो ग्रीन पटाखों के लिए बीएनएस की धारा 163 जो कि पहले सीआरपीसी की धारा 144 होती थी उसमें ऑर्डर इश्यू कर दिए गए हैं। और जैसा कि एनजीटी की डायरेक्शन समय समय पर रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी डायरेक्शन आई है, तो एक तो पटाखों की बिक्री भी, उनका प्रोडक्शन भी, उनका स्टोरेज भी और उनका इस्तेमाल भी, सारी चीजें बैन कर दी गई हैं। सिर्फ ग्रीन पटाखे ही अलाउड रहेंगे, वो भी स्पेसिफिक डेट्स तय की गई हैं कि जैसे दिवाली का दिन है तो 8 बजे से 10 बजे के बीच में, या गुरु पर्व का दिन है या क्रिसमस का दिन है उस समय रात के टाइम पे वो चला सकते हैं लोग। अरे वाह, रोजगार देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया है जिसमें कई बड़ी कंपनियों ने मौके पर पहुंचकर युवाओं से सीधा संवाद किया और आवेदन लेकर 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग देने के लिए युवाओं को कंपनी पहुंचने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि जिला रोजगार विभाग की ओर से कई कंपनियों को युवाओं को रोजगार देने के लिए आमंत्रण दिया गया था, जिसको लेकर कई कंपनी मौके पर पहुंची और तमाम युवाओं से साक्षात्कार करते हुए उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए कंपनी भी बुलाया भी गया, जिसमें ज्यादातर ट्रेंड से निकले हुए बच्चों को आवेदन के लिए कहा गया है, पर मौके पर पहुंचे हुए युवाओं से स्वयं रोजगार के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई। जी सर, ये हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल की कोर्स चलाई जा रही है, जिसमें टोटल 4 कोर्सेस है। चारों कोर्सेज में बच्चे जो इंटरेस्टेड होंगे वो कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। ये कोर्स 3 महीने या 4 महीने के ड्यूरेशन पे है और इस कोर्स के दौरान उनको फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी और आफ्टर दी कोर्स इनको थर्ड पार्टी पेरोल बेसिस के जेबीएम के किसी भी प्लांट में इनको डिप्लॉय किया जाएगा। आज हमने जिला रोजगार कार्यालय पलवल में एक रोजगार मेले का आयोजन किया है, जिसमें जेबीएम कंपनी और स्नोपैक कंपनी, इनको हमने कंपनी को बुलाया है। इसमें जेबीएम कंपनी द्वारा लगभग 4 कोर्सेज में बच्चों को एनरोल किया गया है, जिसमें वो बच्चों को ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के पश्चात अपने किसी प्लांट में वो उनको जॉब प्रोवाइड करवाएंगे। इसमें जो बच्चे अनस्किल्ड है, जो बच्चों को टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उनको ईवी से रिलेटेड नॉलेज दी जाएगी। गवर्नमेंट के अंडर ये कोर्स चलेंगे और कोर्स के बाद एक एग्जाम होगा, इसके बाद ये जेबीएम एम्प्लॉय करेंगे। आगे सर, यहाँ पे 2 कंपनी आई है, एक जेबीएम आई है, एक स्नोपैक आई है। जेबीएम क्या है, भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट वो चलाई है, उसके प्रति यहाँ स्किल वो ट्रेनिंग देगी अपने प्लांट में उसे बंचारी वाले में। तो 3 महीने का कोर्स है, 4 महीने का कोर्स है। उस कोर्स को करने के बाद एक टेस्ट होगा जिसके रिगार्डिंग हमें सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट का हमें आगे प्रेशर अकाउंट नहीं होंगे, हमारे पास एक एक्सपीरियंस है, जिसे लेकर हम एज अ फ्रेशर नई कंपनी में जब जाएंगे तो हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस है। और अम्बाला जिले में धान से मंडियां पूरी तरह से भर चुकी हैं। अम्बाला छावनी का अनाज मंडी में धान काफी मात्रा में पहुंच चुके हैं। अम्बाला छावनी की अनाज मंडी का मुआयना करने उपायुक्त पहुंचे और साथ ही एसडीएम भी मौजूद रहे। उपायुक्त ने किसानों और आढ़तियों की समस्याएं सुनी और आश्वासन दिया कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। वहीं मंडी में फसल लेकर आज किसानों ने बताया कि उन्हें यहां पहुंचे जो है 7 दिन हो गए हैं और यहां पर लिफ्टिंग और बिजली की समस्या बहुत आ रही है। लिफ्टिंग ना होने से पेमेंट नहीं आ रही है, जिससे किसानों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। और वही आढ़ती ने बताया कि मंडी में फसल सुखाने की जगह कम पड़ गई है और लिफ्टिंग की समस्या आ रही है, जिससे कि लिफ्टिंग स्लो होने से पेमेंट की समस्या हो रही है। उपायुक्त को अपनी समस्या से रूबरू कराया गया, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। मैडम, अनाज मंडी वाला कैंट में अभी तक 3606 गेट पास कर चुके हैं, जिसमें से 2,28,000 क्विंटल की अराइवल हो चुकी है, खरीद हो चुकी है मैडम 1,82,000 क्विंटल की, और 74,500 क्विंटल का उठान दोनों ही एजेंसी द्वारा किया जा चुका है, जिसमें से 61,000 क्विंटल का उठान हैफेड के द्वारा किया गया है और 13,500 क्विंटल का उठान है जो डीएफएससी के द्वारा किया गया है। आज डीसी साहब आए थे,
और असीम साबित है के साथ, और उन्होंने मंडी का मुआयना किया, मॉइस्चर चेक किया गया उनके द्वारा, जो कि अधिकतर मैक्सिमम 15% तक आया। क्या जी, तो जीरी की लिफ्टिंग नहीं हुई जी, लिफ्टिंग नहीं हुई, जिम्मेदार तंग का पेमेंट नहीं आई जी, बहुत समस्या तो वही हो रही, बहुत बिजली बहुत लाइट की बहुत कट लग रहा है जी, 10 बजे की रात 3-8 बजे लाइट गई हुई। जो मेन समस्या है वो क्या आ रही है मंडी में? मेन समस्या यही लिफ्टिंग नहीं हो रही, जगह नहीं मिल रही, तारा मोर्चर की जीरी ले रहे, सुक्के की जीरी भरेंगे जी, जगह नहीं है, जो पहली उठेगी जीरी पिछली गिरेगी। प्रशासन तो कह रहा है कि काफी स्पेस है हमारे पास, कुछ नहीं है, सब लिफ्टिंग नहीं है यहाँ, कल रात की बिजली नहीं है, और एक कबाड़ बहुत पड़ा, 7 दिन हो गया है, ओके 7 दिन का ओके सर, 6 दिन का तो है, ओके अगर लिफ्टिंग हो तो उस पर आएगा, कम से कम एक तो 2000 करो समस्या। समस्या मैडम यहाँ पे बहुत आ रही है, समस्या एक तो आ रही है कि जो मॉइस्चर होता है यहाँ पे सारा मॉइस्चर में चाहिए होता है, तो उसको सुखाने के लिए जगह चाहिए होती है, जगह। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।